हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। समझिएगा बोलते, ये हमारा एओडी का पहला चैप्टर है, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला चैप्टर है, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। समझिएगा, बोलता है क्या कि जैसे मान लो कि कोई कर्व है, ये कोई कर्व है। अब इस कर्व के किसी एक पॉइंट से, कर्व के किसी एक पॉइंट से होके अगर लाइन गुजरता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। कर्व कोई भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, किसी भी तरह का कर्व हो सकता है। अगर उस कर्व के किसी एक पॉइंट से होकर के गुजरने वाला लाइन की बात करेंगे तो वो कहलाता है हमारा टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है, इसका अगर ये किसी सेंटर से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट कर्व को जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से, तो वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और उस परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। यानी ये होता है नॉर्मल लाइन और ये होता है टेंजेंट। ये टेंजेंट है और ये है नॉर्मल। इसी टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। समझिएगा बढ़िया से टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। हम लोगों को बेसिकली क्या करना है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप और उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिफरेंसिएशन। डिफरेंसिएशन जो हमने पढ़ा है इससे पहले, उसका इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। समझिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्लोप की। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट का स्लोप वो होता है dy by dx। क्या होता है? dy by dx। यानी ये जो स्लोप है इसको डिफरेंशिएट करें, स्लोप का जो भी मेरा कर्व दिया रहेगा उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx निकालेंगे उस कर्व के इक्वेशन का, तो जो हमको फाइंड आउट होगा dy by dx वही कहलाता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। और ये जिस पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट तुम्हारा मान लो P है x1 y1, तो उसी पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं, पॉइंट x1 y1 पे क्या निकालते हैं हम लोग, तो टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करते हैं dy by dx x1 y1 पे। दूसरा बोला है स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं जी? तो हम जानते हैं कि ये दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। तो वहां से स्लोप ऑफ अ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1/dy/dx। ये सिंपल ऐसे आ जाएगा, x1 y1, यानी जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उस पॉइंट के लिए बात करेंगे। ये बेसिकली होता है स्लोप ऑफ अ नॉर्मल और ये होता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, समझिएगा। जैसे मान लो कहीं पे कोई कर्व दिया हुआ है y बराबर 3x² + 4x - 5। ये कोई कर्व है, बोला इसका आपको निकालना है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट पॉइंट 3-2। 3-2 पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है और स्लोप निकालना है, मतलब स्लोप ऑफ ए टेंजेंट निकालना है और स्लोप ऑफ अ नॉर्मल निकालना है, दोनों का स्लोप हम लोग को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy by dx निकालेंगे, यानी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। 3x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x + 4, ठीक है, x का 1, 5 का 0। अब हमको dy by dx कौन से पॉइंट पे निकालना है? तो dy by dx हमको निकालना है 3-2 पे, तो यहाँ x की जगह पे 3 रखेंगे, 6 × 3 + 4, यानी कितना आ जाएगा, 18 × 4 = 22। याद है, यानी मेरा जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप यानी dy by dx वो कितना आ गया, 22 आ गया, ठीक है। और स्लोप ऑफ मेरा जो नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप मेरा कितना आ गया, -1/22। हो गया, सिंपल है एकदम। टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो सिंपल dy by dx में पॉइंट x1 y1 पुट कर दीजिए, और अगर हमको टेंजेंट निकालना है, स्लोप निकालना है नॉर्मल का, तो हम जो dy by dx निकाला उसको -1/2 कर देंगे तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत। बात करते हैं आगे इक्वेशंस की। देखिए, समझिएगा इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करता है। ये तो था स्लोप हमारा, अब हमको इक्वेशन फाइंड आउट अगर करना है तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लें। आपको समझिएगा,
टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे समझिए, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन बराबर डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट एक्स वन वाई वन। सिंपल, ये जो x1 y1 पॉइंट पे हमने dy by dx यानी स्लोप जो निकाला था टेंजेंट का उसको बराबर कर देंगे y माइनस y1 बटा x माइनस x1 से, मेरा आंसर आ जाएगा यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 बराबर dy by dx x1 y1। दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे वही फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन बटा एक्स माइनस एक्स वन बराबर माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, जो इसके टाइम इसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला था उसको स्लोप की जगह पे लिख दिए, सिंपल ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इससे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन देखते हैं समझिए, जैसे आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कहीं पे y बराबर 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बोल रहा है एट पॉइंट 1 माइनस 3 पे इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम dy by dx करेंगे, dy by dx करेंगे क्या आ जाएगा बच्चा 10x माइनस 7। ठीक है, तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे dy by dx कौन से पॉइंट पे निकालना है, 1 माइनस 3 पे निकालेंगे, तो यहां कितना लिखेंगे 10 इंटू 1 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा 3, मेरा dy by dx कितना आ गया 3। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बटा x माइनस x1 बराबर dy by dx, तो dy by dx, तो dy by dx मेरे पास 3 है, हमको पता है y माइनस y1, y1 की जगह पे क्या है, y1 की जगह पे मेरा माइनस 3 तो प्लस 3 और x माइनस 1 बराबर ये कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 बराबर 3x माइनस 3, ये y को उधर ले जाएंगे 3x माइनस y, ठीक है, और इसको इधर लाएंगे 3 6 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर आपको टेंजेंट का निकालना होगा तो सिर्फ यहाँ पे माइनस 1 में 3 लिख दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा आपको नॉर्मल इक्वेशन और टेंजेंट इक्वेशन। इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं बुक का और बात करते हैं, बने रहिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक का क्वेश्चन है, फाउंडेशन का क्वेश्चन नंबर 4 बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, रूट एक्स प्लस रूट ए बराबर ए, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर ए, और कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है, ए स्क्वायर बाई चार, ए स्क्वायर बाई चार। देखा जाए आसान सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग, रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर ए दिया हुआ है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, और साथ में क्या लगेगा dy by dx बराबर 0, a का क्या होता है कांस्टेंट का 0। यहां से बच्चा इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट वाई dy by dx बराबर 1/2 रूट एक्स माइनस में 2 से 2 कट गया, dy by dx बराबर बेसिकली मेरे पास क्या आ गया रूट वाई बटा रूट एक्स आ गया। ठीक है, रूट वाई बटा रूट एक्स निकल गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे dy by dx कौन से पॉइंट पे निकालना है, a स्क्वायर by 4 और a स्क्वायर by 4 पे, जब यहां पुट कीजिएगा a स्क्वायर by 4 और a स्क्वायर by 4 तो ये तो कैंसिल हो जाएगा सेम सेम, तो सेम सेम में कितना आ गया dy by dx 1 आ गया। अब मेरा dy by dx मेरे पास 1 निकल चुका है, अब हमको क्या बोलना है फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, फॉर्मूला आप जानते हैं y माइनस y1 बटा x माइनस x1 बराबर dy by dx, तो मेरा y माइनस y1, y1 कितना है a स्क्वायर by 4, x माइनस x1, x1 कितना है a स्क्वायर by 4, ये कितना है 1, यहां से LCM लीजिएगा क्या हो जाएगा 4y माइनस a स्क्वायर बटा 4x माइनस a स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, 4 कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा 4y माइनस a स्क्वायर बराबर 4x माइनस a स्क्वायर, तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y और ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से 4 कॉमन निकालेंगे यानी x माइनस वाई बराबर 0 आंसर हो गया। ठीक है, यानी ये आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, समझ में आया। और क्वेश्चंस करते हैं बोर्ड पे ध्यान देंगे।
सबसे पहले इसमें एक्स वन वाई वन मेरे पास नहीं है, तो एक्स वन वाई वन हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी हम बेसिकली एक्स वन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू एक्स में पुट करेंगे, यानी वन माइनस कॉस पाई बाई चार। और उसी तरह से हम वाई वन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू वाई में पुट करेंगे, पाई बाई चार माइनस साइन पाई बाई चार। यानी यहां से बेसिकली क्या आ जाएगा, वन माइनस वन बाई रूट टू, क्योंकि कॉस पाई बाई चार क्या होता है, वन बाई रूट। और y1 मेरे पास क्या आ गया, y1 मेरे पास आ गया पाई बाई चार माइनस वन बाई रूट। ये मेरा x1 y1 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy by dx निकालेंगे। dy by dx निकालने के लिए पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो दोनों को सबसे पहले थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। ऐसे पढ़ा चुके हैं आपको, पैरामेट्रिक फंक्शन का भी वीडियो दिया हुआ है, इसमें जाके एप्स में आप अच्छे से देख सकते हैं, समझिए। सबसे पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा वन का तो जीरो होगा, cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से है यानी आ जाएगा साइन थीटा। अब हम करेंगे y को dy by d थीटा, dy by d थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा का कितना हो जाएगा वन, और साइन थीटा का क्या होगा cos थीटा, यानी ये आ जाएगा बेसिकली। जब हम dy by dx निकालेंगे तो dy by dx निकालने के लिए dy by d theta को dx बटा d theta से डिवाइड करेंगे। ये कितना है, 1 minus cos theta बटा sin theta। 1 minus cos theta क्या होता है, 2 sin square theta बटा 2। यस, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, छोड़ो फॉर्मूला में चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हमको dy by dx कौन से वैल्यू पे निकालना है, तो dy by dx हमको निकालना है थीटा by थीटा बराबर पाई by 4 पे। थीटा बराबर किस पे निकालना है, पाई by 4 पे, क्योंकि यार थीटा x1 y1 तो है नहीं, तो थीटा बराबर 1 by 4 1 पाई by 4 पे निकालना है, तो 1 minus cos पाई by 4 बटा sin पाई by 4। यानी यहां से जब पाई by 4 की वैल्यू लिखेगा 1 by root 2 बटा 1 by root 2, ये LCM लेंगे आ जाएगा क्या, रूट टू माइनस वन। यानी मेरे पास dy by dx कितना आ गया, रूट टू माइनस वन आ गया। अब जब हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, y माइनस वाई वन बटा x माइनस एक्स वन बराबर dy by dx। y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह पे कितना है बाबू, तो वाई वन की जगह पे कितना है पाई बाई चार माइनस माइनस प्लस वन बाई रूट टू, यहाँ माइनस है बीच में माइनस है, और x माइनस क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई रूट टू बराबर यहां से कितना आएगा रूट टू माइनस वन। अब क्या करेंगे बेसिकली, इसको ले जाकर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स वाई को एक जगह कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको सिंपल है, करना क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो एक्स वन वाई वन फाइंड करेंगे, एक्स और वाई की जगह पे थीटा की वैल्यू रख करके या टी की वैल्यू जो भी दिया रहेगा, उसके बाद हम dy by dx फाइंड करेंगे दोनों को डिफरेंशिएट करके, और उसका स्लोप निकाल लेंगे और फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन।